गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, आज हम आपको हिंदी फर्स्ट में पार्ट 7 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है शर्त एलियन की। तो बच्चों आइए देखते हैं शर्त क्या, एलियन ने क्या शर्त रखी थी उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए पाठ्य परिचय, सबसे पहले हमें पाठ्य परिचय पढ़ना चाहिए, उसके अंतर्गत हमें क्या बताया जा रहा है उसकी जानकारी हमको होती है। और इस चैप्टर को एक कहानी के उससे आप लोग माध्यम से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको इसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो देखिए बच्चों आता है आपका पाठ्य परिचय। हम जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान वहाँ की साफ सफाई पर जाता है, पर जाने क्यों, हमारा ध्यान अपने आसपास की सफाई की ओर नहीं जाता। इस पाठ की तरह अक्सर दूसरे ही हमारा ध्यान इस ओर दिलाते हैं। तो बच्चों देखिए ये बता रहा है कि जैसे कि मान लीजिए हम शहर से बाहर गए हैं या शहर के किसी और दूसरे स्थान पर गए हैं तो हम देखते हैं कि साफ सफाई कितनी है और कहाँ पे मतलब हमें अच्छा लगेगा। आपको साफ जगह में बैठना पसंद है या गंदी जगह में बैठना पसंद, तो जाहिर सी बात है बच्चों आप सभी लोग साफ जगह को पसंद करेंगे। तो इसमें इसी पार्ट में एक नाटक के माध्यम से आपको संदेश मिला है कि साफ सफाई करनी चाहिए और आपके देश में कोई अगर बाहर से आता है तो उसका किस तरह सम्मान करना चाहिए ये भी हमें इसमें बताया गया है। तो बच्चों देखते हैं पात्र, इसमें तीन बच्चे हैं जिनका नाम है बंटी, पिंकी, लता, एलियन, ग्रेंगो। उसका नाम है एलियन का ग्रेंगो। तो दृश्य वन हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग दृश्य वन ही पढ़ेंगे, उसको ही समझ के अच्छे से फिर पार्ट टू अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है और आपको पूरा पढ़ाना संभव नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दृश्य वन आज पढ़ाऊंगी और दृश्य टू अगले ही वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो देखिए बच्चों एक मंच बना हुआ है, उसमें एक बागीचे का दृश्य दिखाया गया है, मानी कि सीन दिखाया गया है। बागीचे में केवल झाड़ियां ही झाड़ियां, चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है। बच्चों एक स्टेज, जैसे आपके स्कूल में एक स्टेज होता है, स्टेज पे क्या दिखाया गया है, झाड़ियां ही झाड़ियां लगी हुई हैं और उसमें कूड़ा भी बिखरा दिया गया है और कूड़ादान खाली है। कूड़ादान मिस होता है बच्चों कूड़ा डालने का डिब्बा, जैसे कि आपकी कक्षाओं में रखे होते हैं और उसके बावजूद भी आप लोग उसके बाहर कूड़ा डाल देते हैं, तो ये हम आपको बताते हैं बेटा ये डस्टबिन में डाला करो, क्लास में गंदगी नहीं करो। उसी तरह देखिए बच्चों कूड़ादान है पर उसमें कूड़ा नहीं पड़ा होगा, कूड़ादान खाली रखा हुआ है। इसी बगीचे में तीन बच्चे बंटी, पिंकी और लता छुपन छुपाई खेल रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। एक छुपता है तो दो छिपते हैं तो एक ढूंढता है। तभी झाड़ियों में से बंटी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आप लोग खेल रहे हो और मान लो कोई आपको आवाज सुनाई दे रोने की, तो आप लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा, उस तरफ आकर्षित हो जाएगा और आप लोग सोचोगे कि आवाज कहाँ से आ रही है, चलो पहले हम इसको देखते हैं इस आवाज कहाँ से आ रही है। तो ऐसा इन बच्चों के साथ हुआ। बंटी घबराकर, कौन, जब कोई अजीब आवाज आती है तो हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क क क कौन है, घुर घुर की सी आवाज आती है। तो बंटी, पिंकी, लता जल्दी इधर आओ, दोनों भाग कर आती हैं। पिंकी, क्या हुआ बंटी? बंटी मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को कोई बच्चा कोई हमने चीज देखी, कोई आवाज सुनी, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ना हो हमारी आवाज सुनकर कहीं कोई भाग जाए या चला जाए, तो इसलिए उस जो बंटी है उसको उंगली, पिंकी को मुंह पर उंगली रखकर कह रहा है कि चुप रहो, बोलो नहीं। तो लता, बंटी कहीं तेरा इरादा हमें डराने का तो नहीं है? बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं कि एक दूसरे खेल लेते हैं फिर दूसरे को डराने का खेल खेलने लगते हैं, तो वही लता बंटी से कह रही, तुम हमको कहीं डरवा तो नहीं रहे हो, कहीं डरा तो नहीं रहे हो? तो बंटी कहता है, तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? तो पूछता है कि ऐसा तो नहीं सिर्फ मुझे ही किसी की आवाज सुनाई दे रही हो और इनको मेरी आवाज ना और इनको आवाज ना सुनाई दे रही है? वो कहता है कि तुम्हें किसी रोने की आवाज सुनाई दे रही है? तो वो कंफर्म करता है कि सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है कि तुमको भी सुनाई दे रही है?
तो वो कहता है दोनों, वो कहते हैं हाँ सुनाई तो दे रही है। तीनों झाड़ियों की तरफ देखते हैं। बच्चों इरादा मिस होता है विचार, ठीक है। बंटी हाँ, यहाँ आवाज उन झाड़ियों के पीछे से आ रही है। दोनों चलो चलकर देखते हैं। बच्चों कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें बहुत मतलब जानकारी मिलेगी। तो आपका चैप्टर बहुत लंबा है तो इसलिए मैं पाठ दृश्य 1 यही समाप्त करती हूँ। दृश्य 2 हम आपको कल पढ़ाएंगे और ये पाठ पूरा कर देंगे। तो आप जो है जिन बच्चों के पास किताब है वो कठिन शब्द इसमें से छाटेंगे और कॉपी पे करेंगे। और आप लोग सुंदर राइटिंग में काम किया करिए। बार बार लिख मैसेज देने के बाद भी आप लोग सिर्फ काम कर रहे हो, राइटिंग और लेख पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत है बच्चों। एक अध्यापक आपसे बार बार अपने काम को अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए बोल रहा है पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कृपया मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप सभी अपने काम पर ध्यान अवश्य दें। और दृश्य 2 हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।